विरासत में बिहार का विशेष स्थान है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त ज्ञान और मोक्ष की नगरी गया में। फल्गु नदी के तट पर यह पूरा शहर बसा हुआ है। यहाँ के लोग काशी और अयोध्या की तरह लंबे समय से कॉरिडोर की मांग कर रहे हैं। मेरा गांव मेरा चुनाव में हम गया के गांव-गांव की सैर करेंगे। यहाँ पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। मैं पहुंच गई हूँ गया के हाई साड़ी गांव में और आप देखेंगे कि यहाँ पर महिलाएं बांस से अलग अलग चीजें तैयार करती हैं। ये सूप है, चावल बीनने के लिए, गेहूं बीनने के लिए खेत खलियान में इस्तेमाल होता है। ये पॉट है पेन रखने के लिए और बहुत ही खूबसूरती से ये महिलाएं बनाती हैं। आपके इलाके में वोटिंग कब है? 19 तारीख की। अच्छा, पीछे से आवाज आई है, पता है, है? हाँ। क्या मन में है, वोट दोगी? सब बोल रही हूँ। हाँ, वोट देंगे। बताओ। ये हम लोग के है सड़े गांव में बांस कटार से चलता है काम धना, यही बचपन से बिन चीर रहे हैं। हम लोग के पास पूंजी नहीं है कि हम लोग आगे बढ़ सके। हम लोग यही रोजगार है, हम लोग के लाता है उधर से झारखंड से बस, तो बीनते हैं टोकरी में, यही गुजारा करते हैं। तो ये मुद्दा है, चुनावी मुद्दा आपके लिए है, है? यही आपका रोजगार है? यही रोजगार है मैडम। अब देखिए, ये क्या, ये रोटी रखने के लिए होता है? कोई वोट मांगने आ रहा है इलाके में? मांग तो रहा है। कौन आया? जीतन राम मांझी। मांझी आए। पता है किस पार्टी से उम्मीदवार हैं? हाँ पता है। किससे हैं? विधायक जी से। अच्छा, ये देखिए, ये पता नहीं है लेकिन नाम पता है। किसको वोट दोगी ये पता है? किसको देगी? अब तो देना ही पड़ेगा, जहाँ देंगे, लेकिन देना ही पड़ेगा। देना ही पड़ेगा, मजबूरी? मजबूरी नहीं है, मतलब नहीं पड़ेगा। नहीं, मजबूरी क्यों है? मजबूरी हम लोग के है कि हम लोग जहाँ देना ही पड़ेगा वोट, ऐसा तो नहीं वोट रख देंगे हम लोग करके बाकस में बंद करके, वोट देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। आपको बताएं कि जो ये गया लोकसभा सीट है, यहाँ पर मांझी उम्मीदवारों का ही कब्जा रहा है। जितन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं, इसके अलावा गठबंधन से यहाँ पर सर्वजीत कुमार है और ये एक तरीके से युवा पीढ़ी बनाम पुरानी पीढ़ी की लड़ाई है। बड़े ध्यान से आप बातें सुन रही हैं। आप बताइए, ये छील रहे हैं बांस को, इस तरीके से छीलते हैं, बहुत मेहनत का काम है? मेहनत के काम है, ये छीलते हैं फिर बीनेंगे, टोकरी मोनी बीनते हैं। कितना कमा लेती हो? ये इतना कहाँ कमा लेती, दिन घर ही कमा कन करते हैं, मन ढेर नहीं कमाता, 1000। कोई नौकरी करता है यहाँ पर? कोई नहीं मैम, हम लोग का यही जरिया है कमाने खाने का, इससे पेट भात चल रहा है, यहाँ कोई नौकरी वाला नहीं। कितने पढ़े हो? मैं सर 10 पढ़ा हूँ। 10th पढ़े हो? हाँ। लेकिन कोई रोजगार नहीं। कोई बच्चे लोग? बच्चे लोग भी पढ़ रहे हैं अभी। बच्चे को हमारा भतीजी है 12। दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है इलाके में? यहाँ समस्या मैम है कि हम लोग का कोई बेरोजगारी है, बेरोजगारी। जो सामान नहीं बनाते तो हम लोग को पेट भात भी नहीं चलता। और दूसरे बात है कि यहाँ के जो राजनीति के जो नेता लोग है, हम लोग को कभी मदद नहीं करता है कोई नेता, नहीं कोई नहीं। यहाँ तक कि ये चीज बोलिए, हर एक समस्या में कोई मदद करने वाला आता नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, तो इसी से हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, बस यही समस्या है। क्या कहेंगे राजनेताओं को? राजनेता में अभी आएंगे तब बोलेंगे, एक बार आए हम लोग थे ही नहीं, इसी से हम लोग का मने रोजी रोजगार। किस पार्टी से उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी से। किया कुछ काम किया यहाँ पे? करता तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने अभी मौका है वोट लेने का, तो सबको कहता है हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फिर चल जाते हैं, वोट हो जाता है, फिर कोई कहीं नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग का। बहुत ही नेता आए, बहुत नेता गए और बहुत ही नेता कहा हम ये कर देंगे, हम विकास नहीं हुआ, मतलब विकास नहीं हुआ और हम लोग इसी जगह पर रह गए, हम लोग का कहीं जगह नहीं मिला। बिहार आए और लिट्टी चोखा नहीं खाया तो क्या खाया? देखिए, ये कोयले पे लिट्टी सेक रहे हैं और ये चोखा बन करके बिल्कुल तैयार है और ये है हरी चटनी जिसको हम खाएंगे और चुनावी चर्चा भी करेंगे। तापमान तो काफ़ी, यहाँ पे गर्मी बहुत है और आपको बताएं कि जो गया ज़िला है बिहार का सबसे गर्म ज़िला है। वोट दोगे? दूंगा, जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा, वोट है तो किसी काम में आएगा, जब वोट नहीं देंगे तब कामकाज ठीक चलता है? कामकाज अपना ऊपर है, जो मेहनत करने वाला आदमी के लिए सबके लिए ठीक है। बाकी बस मैंने बात वही, विकास नहीं होता है ना, यहाँ गरीबी हट रही है ना, कोई ध्यान देता है, मतलब गरीबी बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा। कितना कमा लेते हो? वही डेली के 350-250 रुपए कमाते हैं।
नेता जो बड़े बड़े दावे करते हैं वो पूरे हो पाते हैं उनके बातें? पूरा नहीं होता, होता जब इलेक्शन टाइम आते हैं ना, होने वाला है तब नेता लोग आते हैं कि हमको ये कर देंगे वो कर देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं करते हैं। जब इलेक्शन खत्म हो जाता है ना सब अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। आप क्या करती हैं? हम लोग खाचिया टोकरी बीनते हैं, ये टोकरी मानी इसी से गुजारा करते हैं। हम लोग बेरोजगार हैं यहाँ पर बैठा हुआ। हाई साड़ी गांव में हमारी मौजूदगी है। गया का ये गांव काफी पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर गरीबी एक बड़ा मुद्दा है। लोगों से जानते हैं उनकी क्या क्या समस्याएं हैं। बहुत समस्या, शिक्षा कमी है और यहाँ पे विकास भी नहीं हो रहा है। जब यहाँ पे शिक्षा होंगे तभी गरीबी दूर होगी, और नहीं तो गरीबी दूर नहीं होगी। आप क्या सोचती हैं? वही मतलब सोचेंगे क्या, वही गरीबी मतलब दूर नहीं हो रहा है। मैंने है कि पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है इधर। इतना सुंदर आप लोग गाते हैं, ये गीत गाते हैं, वोट कब है इलाके में पता है? वोट के अलावे में तो हाई पाता है इतना समाज में। किस तारीख को वोटिंग है? 19 तारीख को वोट है, है ना? इलाके में विकास हुआ है? हाँ। क्या हुआ है? आप बताइए क्या विकास हुआ है? विकास बहुत हुआ है, कॉलोनी मिला, बाथरूम बना, शौचालय बना। कॉलोनी मतलब घर? हाँ, इंदिरा आवास मिला, सब बढ़िया है। अच्छा, किसको वोट दोगे ये तो पता होगा? हाँ, किसको? मोदी, मोदी को दोगे हैं? बस मोदी का नाम पता है। और उम्मीदवार कौन है इलाके में पता है? मनु मोदी या फिर तेजस्वी यादव, सब नीतीश यादव आरजेडी से हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पर महागठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा ये तो देखना होगा। लेकिन जो ये महिलाएं हैं, इनको ये तो पता है वोटिंग कब है, लेकिन इलाके से इनका उम्मीदवार कौन है ये नहीं मालूम। गया में बुनकरों की अच्छी खासी तादाद है। मेरी मौजूदगी है पटपटोली गांव में। आप देखेंगे यहाँ पर महिलाएं और पुरुष ये कच्चे धागों से पक्का धागा तैयार करते हैं। ये रॉ मटेरियल होता है और इससे पक्का धागा तैयार होता है अलग अलग रंगों में। यहाँ पर आप देखेंगे कि लाल कलर का धागा तैयार हो रहा है। अगर इधर हम आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सफेद रंग है, पीला रंग है, हरा रंग है, ये अलग अलग धागे हैं। और आप इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए। ये आप पूरे दिन भर ये काम करते हैं? दिन भर करता हूँ मैं, दिन भर काम करता हूँ। टाइम होता है तो ना खाना ना जाते हैं खाने, खाना खा तो आते हैं तो फिर काम करते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि सियासी मौसम भी है, 19 तारीख को वोटिंग है। अच्छा, नेता आ रहे हैं वोट मांगने? अच्छा, वोटिंग मांग यार, तो वोट तो देना होगा। नया सरकार बना होगा तो अच्छा होगा। नया सरकार? हाँ। कौन पसंदीदा नेता है आपका? अभी है मुन्ना नेता है, वार्ड पार्षद। पसंदीदा नेता कौन है? नेता है विजय नेता है। हैं? विजय कौन? विजय नेता है हमको 48 वार्ड। हाँ, गंज करीब। नहीं, इस बार जब सांसद का चुनाव होने वाला है पता है? ये सुन हमको पता नहीं है। आप बताइए कामकाज ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है। चुनावी मौसम भी है, नेता पहुँच रहे हैं वोट मांगने? ऐसे तो मोदी बार बार जीत रहा है। हाँ, अभी भी देखिए कौन जीतता है, अभी पता तो नहीं है। जब तुम वोट पड़ेगा, चुनाव होगा, उसका बाद ही नहीं जीतेगा। कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं है। मेरा गांव मेरा चुनाव में मेरे सहयोगी चंदन आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे थे। एक और गांव की आपको सैर करवाएंगे। बीजेपी 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। खबरों की अगर माने तो बीजेपी के घोषणा पत्र में ज्ञान के ऊपर फोकस रहने वाला है, यानी कि बीजेपी के संकल्प पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारियों की तरक्की का जिक्र किया जाएगा।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 अप्रैल को बीजेपी का ये संकल्प पत्र जारी होगा। बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी तो रहने ही वाली है। ये बड़ी खबर, 14 अप्रैल को बीजेपी का जारी होना है संकल्प पत्र, और इसमें ज्ञान के ऊपर फोकस रहेगा। जी यानी कि गरीब, वाई यानी कि युवा, ए यानी कि अन्नदाता, और एन यानी नारियां। तो ये चार जिनके ऊपर खास फोकस रहने वाला है। एक और बार बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो फिर कैसे गरीबों के लिए काम किया जाएगा, युवाओं का कल्याण होगा, अन्नदाता और नारियों के लिए क्या रहने वाला है ये बताया जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फर्स्ट टाइम वोटर इस बार किन किन मुद्दों पर वोट करेगा, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, देश की मौजूदा राजनीति को लेकर फर्स्ट टाइम वोटर क्या समझ रखता है, ये सब जानने की हमने कोशिश की है। रूबिका लियाकत की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। अच्छा, यहाँ फर्स्ट टाइम वोटर कौन कौन है? फर्स्ट टाइम वोट जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हारिस अली। मोहम्मद हारिस, कितने साल के? मैं अभी 18 को हूँगा। 18 के हो जाएंगे तो वोट कर पाएंगे इस बार? हाँ, वोट कर लूंगा। अच्छा, एक फर्स्ट टाइम वोटर होने के नाते आपका, आपके जहन में क्या मुद्दा रहेगा? जी, मेरा मुद्दा तो यही रहेगा कि मैं जिसे भी वोट दूँ वो हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए काम करे, बस यही रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा विकास हो हम सबका, और क्या कहते हैं, जो हमारी नई जनरेशन है वो चाहती है कि हम, हमारी स्टडी जो है वो और इम्प्रूव हो जाए। तो आप पढ़ाई करते हैं? जी। क्या पढ़ते हैं? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ। अरे वाह, मेडिकल, कौन सा ईयर? मेरा फर्स्ट ईयर है। फर्स्ट ईयर है तो डॉक्टर बनना चाहते हो? जी जी। और किस में आपका इंटरेस्ट है? मेरा वैसे तो जी वही MBBS ही, मगर उस हिसाब से देखूंगा जिस हिसाब से स्टडी चल रही है अभी। अच्छा, आपको, आपको दो पार्टियां इस वक्त दिख रही है, NDA और इंडिया, दोनों पार्टियों को कैसे देखते हैं? मतलब पार्टियां, गठबंधन की बात कर। अच्छा, पार्टी गठबंधन की बात है तो एक तो इंडिया अलायंस है और एक बीजेपी प्लस NDA अलायंस। NDA को सपोर्ट करते हैं जी हम। क्यों ऐसा? इसलिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। क्या काम किया मोदी ने? उन्होंने जैसे अभी ये ट्रेन आई है नई वाली, ये चलाई इन्होंने, और बतेरा विकास करवाया है, रोड बनवाए हैं, मुंबई हाईवे बनवा दिया, और बतेरी यूनिवर्सिटी भी बनवाई है इन्होंने, तो बस यही है। अच्छा, ये कह रहे हैं मोदी ने बतेरा काम किया है, बतेरी यूनिवर्सिटी बनाई है, बतेरी ट्रेनें चला दी हैं। आप भी फर्स्ट टाइम वोटर है ना? क्या नाम है? मोहम्मद अनस कुरैशी। अच्छा, अनस जी। अनस, इस बार वोट है आपका, पहला वोट है? हाँ जी। तो क्या सोचा है? क्या सोचा है, यही कि देश की तरक्की के लिए पहली बार वोट करेंगे, वो भी बीजेपी को। ये जो है, पहले मैं सोचता, जब तक मैं छोटा था सोचता था कि अखिलेश यादव अच्छे हैं या समाजवादी यूपी के लिए अच्छी है, लेकिन वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, दोगली पार्टी है जी। इसलिए जो है बीजेपी को, वो तो, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ सबका विकास क्या देख लिया आपने? क्या देख लिया? यही कि देश की तरक्की पे है, वे नहीं है कि पहले की ये वाला जो रोड था, छोटा सा रोड है, रात को 8 बजे निकलेंगे नहीं, घर में घुसे रहेंगे। अब बड़ा रोड है, 6-4 बजे और रात को कोई दिक्कत नहीं, जरा सा भी क्राइम नहीं। आपने बार बार सवाल किया कि 2012 का दंगा, सत्ता में थी समाजवादी और विपक्ष पे हमेशा कि हाँ, हमारी सरकार को गिराने के लिए या बदनाम करने के लिए दंगा कराया, विपक्ष को जिम्मेदार मानती, इसीलिए उनमें संजीव बालियान का नाम है। सत्ता में अगर बीजेपी होती तो उस तरह से फिर थोड़े आरोप समाजवादी के भी नेताओं पर लगते, इसलिए लगता है कि वे सब आरोप थे। नहीं, लेकिन ये तो सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात हुई, पूरे हिंदुस्तान में ये कहते हैं। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं वैसे कहते हैं कि वे थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट उन्हीं के लिए हैं जो गलत करते हैं, जो सही करते हैं उनके लिए सही है जी। बुलडोजर चला देते हैं, बुलडोजर में पहले वे गलती करते हैं ना, छोटी गलती हो सजा तो मिलनी है, अब छोटी गलती करके सजा पाएंगे तो बड़ी सजा हो, लेकिन सजा तो पा रहे हैं वो। और मोदी के लिए इस फर्स्ट टाइम वोटर अनस का क्या मानना है? मानना है कि देश का अलग ही लेवल पे है, मनमोहन सिंह की तरह ने कि कुछ नहीं बोला, बस इसी तरह घूम रहे हैं। G20 कराना बड़ी बात नहीं है, देश में जो G20 उन्होंने कराया है, धारा 370 कश्मीर से हटने के बाद भी एकदम बिल्कुल सही चल रहा है कश्मीर में। मैं होकर आई हूँ, कश्मीर है बहुत बढ़िया। तो ये देख रहे हैं, मतलब अलग ही बयार, अलग ही बदलाव दिख रहा है।
एसटी केशव।